मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा कि राजस्थान के अंदर परिवहन विभाग का जो मुख्यालय वो किस जिले के अंदर है। तो ये जयपुर के अंदर है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो कि किस जिले के अंदर है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। तो राजस्थान के अंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो कि उदयपुर के अंदर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, भारत रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र की स्थापना से संबंधित स्थान कौन सा है? राजस्थान के अंदर भारत रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र की स्थापना से संबंधित राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये बाड़मेर का पंचमदरा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 राजस्थान को किस राज्य से जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आप लोग उत्तर जरूर देना और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 168 राजस्थान को गुजरात से जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? राजस्थान के किस जिले के अंदर वर्षा का जो वार्षिक विषमता वो सबसे ज़्यादा है वो है जैसलमेर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर सबसे उच्च कोटि का नमक जो कि पंचभद्रा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, निम्न में से राजस्थान में किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? हमने बारिश की बात की थी जैसलमेर की, अगर हम बात करें जलवायु की वार्षिक विषमता सबसे ज़्यादा है तो आप एक चीज़ समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे बारिश की विषमता सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर जलवायु की जो विषमता वो सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के किस जिले में चलती है? प्रश्न एग्जाम में दो तीन बार पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा गांव है या फिर ग्रीष्म ऋतु के अंदर गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा आंधियाँ जो राजस्थान के किस किस ज़िले के अंदर चलती है, तो बिल्कुल गंगानगर के अंदर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करिए, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश किस महीने में होती है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, जुलाई और अगस्त अगर आपको मिले दोनों साथ में तो ध्यान दीजिएगा, जुलाई इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? अरावली क्षेत्र के अंदर वर्षा का जो औसतन है वो है 80 सेमी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चंबल राजस्थान के अंदर 84 गढ़ के निकट प्रवेश करती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, कौन सी पहाड़ियां जो कि चंबल नदी का उद्गम है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर देना, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो जनापाव की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा जो है बनास नदी को, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान में मावठ किसे कहते हैं? राजस्थान के अंदर मावठ किसे कहा जाता है? शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। शीत ऋतु के अंदर सर्दियों के अंदर उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से जो बारिश होती है उसे मावठ कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का, हमने चंबल नदी के उद्गम की बात की थी, अभी हम बात करें बनास नदी का उद्गम स्थल तो खमनोर की पहाड़ियां हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र का दैनिक तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा रहता है तो पश्चिमी क्षेत्र का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन महीनों में, सॉरी किन हवाओं से होती है, गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण जो बारिश है वो किन हवाओं से होती है, तो जो मानसूनी हवाएं चलती है उन्हीं के कारण बारिश आती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर, राजस्थान के अंदर बारिश का औसत जो है वो 57 से 58 सेमी के अराउंड है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्न में से क्षारीय मिट्टी के पीएच मान कितना है, क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7.6 या इससे ज़्यादा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है, मिट्टी की उर्वरा क्षेत्र को, सॉरी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो गोबर और हरी खाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्न में से कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी इनमें से गिरती है, तो पश्चिमी बनास है जो कि कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्न में से लूनी नदी का पानी कहाँ खारा हो जाता है, लूनी नदी का जो पानी है वो कहाँ पे जाके खारा हो जाता है, तो बालोतरा के अंदर जो है लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्न में से राजस्थान में बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो बाणगंगा नदी जो कि बेराट की पहाड़ियों से निकलती है इसका उद्गम स्थल है बेराट की पहाड़ियां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है, तो हमने बात की थी कि मानसूनी हवाएं आती है और कौन सी मानसूनी हवाएं, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है किसके कारण, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे देखा जाए तो भूमध्य सागर ये भी नहीं होगा और बंगाल की खाड़ी मानसून से ये सही है, अरब सागर के मानसून से ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के अंदर बारिश जो है सबसे ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और अगर आपको उत्तर नहीं बताए तो अभी आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है, राजस्थान के अंदर कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है, इसका सही उत्तर आपको कॉमेंट में बताना है और ये भी बताना है कि 25 में से आप कितने से ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट और राय या सुझाव देना आप लोग कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।